बच्चे एग्जाम देते हैं, अपने दिमाग से पढ़ते हैं, हमारा जो देखने का जो डिस्प्ले का एरिया है, स्क्रीन डिस्प्ले होता है ना, हमारा ये आंखें, और ये सारी सेंसेस इकट्ठा मिलकर के यूं पढ़ती हैं, कुछ पढ़ पढ़ा करके याद करती हैं, याद करके इस फैक्ट्री के अंदर जाता है। ये बच्चा यहाँ, इसकी खतरनाक आंखें हैं, ये किताब में से पढ़ता है और यहां से पढ़ करके, आंसू ना समझना यारो, ये इसकी खोपड़ी में जाता है। अब 10 तारीख को इसने पढ़ाई करी, 20th को इसका एग्जाम है, 20 तारीख को इस बच्चे का एग्जाम है। अब इसने क्या किया, पढ़ाई करके यहां से पढ़ा, आंखों में डाला और दिमाग के अंदर यहां स्टोर कर लिया, यहां कर लिया स्टोर उसने। ये इसका फिजिक्स है ना, एक आध बार रिविजन कर ली, एक आध बार काफी होती है, सुपर नॉट गुड। अब 20 तारीख के एग्जाम के लिए 10 तारीख को इसने फिजिक्स इतना एक्स अमाउंट स्टोर कर लिया। अब 20 तारीख को यही फिजिक्स यहां से ना वापस पाइप जुड़ेगा और ये इसके पेपर में लिखा जाएगा, ये उसको लिख देगा। अगर ये पाइप सही गया था अंदर और ये पाइप सही आ गया बाहर, तो हाथ से सही लिख देगा, ये एक्सप्रेशन फिट कर देगा और नंबर फर्स्ट क्लास आ जाएंगे। होता क्या है, 20 तारीख तक तो उसे सब आता है, 20 को ही हाथ गड़बड़ कर देता है। यहां एक तार होती है, सर्किट होता है, ये दिल है हमारा और ये हाथ, ये हाथ, ये दिल जो है, ये जिस समय 10 तारीख को वो पढ़ रहा था, याद करके खोपड़ी में डाल रहा था, उस समय दिल से ना लगातार एक मैसेज जा रहा था ब्रेन में, स्टोर कर ले इसको, स्टोर कर ले इसको, स्टोर कर ले, स्टोर कर ले। ब्लड सप्लाई हो रही थी खट 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 खट, और फटाफट सारी सप्लाई के अंदर न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं, स्पेसिफिक ऐसी चीज होती है जो दिल बनाता है दिमाग से बातें करने के लिए, कहते हैं स्टोर करना, स्टोर करना, स्टोर करना। दिल की धड़कन फर्स्ट क्लास चल रही है, बच्चा कोई डिस्टर्ब नहीं है। दिल क्या मतलब, दिल धड़क रहा है आराम से। अगर आप स्वादिष्ट खाना पे होंगे या मूलाधार डरे हुए, तो दिल कैसे धड़केगा, दिल चेंज हो जाता है वहां की सप्लाई में, दिल भी डरता है वहां जाने में, लेकिन हम लेके जाते हैं, दिल घसीटता है। अब दिल ना बड़ा रिलैक्स, बड़े मजे में जा रहा है, पेपर का डिस्टर्बेंस कोई नहीं है, डर कोई नहीं है, स्वादिष्ट खाना और मूलाधार से नहीं पढ़ रहा बच्चा, ऊपर से पढ़ रहा है, दिल ऐसे धड़केगा आराम आराम आराम, सारा रिटेन हो गया। अब दिल क्या कहता है, हाँ भाई मैंने जान लिया, अब क्या यार 20 तारीख को अपन लिखेंगे, लिखेंगे कैसे, ये मेरे पर है, ये हाइपर एक्सटेंशन है हृदय की, दिल में जो बात आती है हाथों से करते हैं, यार दिल खुश कर देता भाई, ये क्या किया, ये दिल ने पीट के बताया हाथ, यार ये दिल खुश कर दिया, हाथों ने एक्शन दिया, जो दिल करता है वो हम करते हैं, ऐसे गाते हैं, ये क्यों जा रहा है ऊपर, ये पागल हो गया क्या, ये चलता है, दिल में आग लग रही है, मार दूं, ये क्या बना, ये गुस्सा क्यों बना, ये दिल कर रहा है, जो दिल करता है वो यहां से प्रकट होता है, एक्शन होता है, दीज आर आर विंग्स, हाइपर एक्सटेंशन, ये हमारा कर्म करने के लिए, धनुष चलाने के लिए दिए गए हैं। तो यहां पर हाथ में आएगी, हाथ में कब आएगा, दिल कहेगा हाथ को ये लिख दे। अब यहां से गई तो सप्लाई ठीक थी, यहां से आते टाइम में सप्लाई यहां टूट गई और ना रुक रुक के आ रही है, दिल कह रहा लिख दे, दिमाग कह रहा यार मैं तो और लफड़े डाल रखे हैं बीच रास्ते में, तेरे को प्रॉपर पाइपलाइन नहीं दूंगा, लीक है बीच में। और बंदा कह रहा, बच्चा कह रहा ऐसे करता है, ये यहां जाता है, यहां 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 जाता है, यार क्या था याद नहीं आ रहा। यहां पर ये कह रहा दिल, बता दे, बता, ब्लॉक हटा, ब्लॉक हटा, चल पेपर पे लिखना। इंटरव्यू देते समय बंदा कैसे जाता, बोलता है सब दिस हैपेंड, दिस हैपेंड, ऐसे फलाना ढिमकाना, उस समय दिल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, ब्रेन कह रहा है आंसर दिए, इंटरव्यू पास, और ब्रेन अटक गया तो कह रहा बंदा, सर वो ऐसे हो जाता है सर वो, आपके ब्रेन ने सप्लाई दिल को वापस देनी बंद कर दी है, क्योंकि 10 से 20 तारीख के बीच ऐसा कुछ हुआ है कि ये जो पाइप थी ना ये फट गई, ब्लॉक हो गई, पंगा डाल दिया। क्यों, क्योंकि 10 तारीख से 20 तारीख तक मम्मी पापा ने और उन्हें यार दोस्तों ने इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया, या तो उसमें ईगो आ गई, अगर बच्चे में ईगो है ऐसा बेस्ट परफॉर्मेंस करूंगा, मुझे अच्छा करना ही है, ईगो अगर आ गई तो 2.5 गुना कम मार्क्स आएंगे, 100 का 2.5 गुना कम 40 होता है, बस पास ही होगा जैसे तैसे, और कहेंगे इतना बढ़िया जानता था बच्चा, पेपर के टाइम कबाड़ा करके आया, यार इतना मेधावी बच्चा था, इंटरव्यू फेल कर गया, सारी चीज सेट कर गया था, यहां क्यों, ये क्या हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों में माता पिता ने उसको वेट डाल डाल के, अपने स्यापे सुना सुना के, खून पी पिला करके, स्वादिष्ट आना पे मारा है, याद मूलाधार पे वो डरा हुआ है,
उसके मन में ग्रीड है नंबर ना आए तो क्या होगा, उसके मन में क्लेश है मेरा नाम होना चाहिए यार बढ़िया करूंगा, उससे ये पाइपलाइन रुक जाती है। ये पाइपलाइन एक नर्व है, इस नर्व का नाम है वेगस नर्व, जिसके नाम पर लास वेगास ला वेगा बना हुआ है लॉस एंजलिस में अमेरिका में, यानी कि स्वर्ग की जगह आनंद की जगह। जब ये दिल दिमाग आपस में फर्स्ट क्लास बात करते रहते हैं तो स्वर्ग है दिमाग के अंदर, आत्मा प्रसन्न होती है भाई दिल दिमाग सही चल रहे हैं, मजा आ रहा है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग डर रहा है, दिमाग कहता है ये कर लो, दिल कहता है वो कर लो, कितना नरक है जीवन के अंदर, खोपड़ी खराब, काम ही नहीं बनता। फिर हम कहते हैं यार ए बी सी डी सही लगाया था, ये काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसके पीछे लड़ाई हो रही है, आप सी स्क्वायर टच नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने अपनी थर्मल एनर्जी निकाल दी, इसलिए आपकी वेगस नर्व काम करते रहनी चाहिए। ये नर्व तब काम करेगी जब आप वजन नहीं डालेंगे, इसलिए जीवन में ना शनि ग्रह पे कभी जाना, शनिचर पीछे पड़ जाएगा, ना गुरु ग्रह के पास कभी जाना, गुरु के पास जाना, वो अपने आप वहां से लिफ्ट करेगा, रेस करेगा, कोई ना मिले चरणों में गिर जाना। आपके जीवन में कुछ भी मैनिफेस्टेशन हो सकती है, आपके जीवन की चिज्जी खराब नहीं होगी, आपके लाए सोफे लाए अलमारी लाए कपड़े खराब ही नहीं होंगे, और आप बदलोगे ही नहीं, आप लगातार खिलते ही चले जाओगे। एक ऐसा फूल हो सिर्फ खिलता ही है यार, कमाल है यार, पुराना पत्ता जाने से पहले एक नया आ जाता है, क्या खूबसूरती रहेगी, क्या सौंदर्य बना रहेगा। पर याद रखो कांटे साथ हैं, चैलेंजेस लाइफ के अंदर आपको मिलेंगे तभी आप उठेंगे, इसलिए आज की क्लास को एक चुनौती समझते हुए जीवन को घनघोर जियो, खूब प्रसन्नता रखो और समझो कलाकारी, किसी भी हालत के अंदर आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, निचली मंजिल पे ना गिरना।